दर्शकों, भगवान महावीर के जन्म दिन की यादें बढ़े। भगवान महावीर का जीवन अपने आप में एक संदेश है। ईश्वर करे आप सभी लोग इस वर्ष उनके सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अस्तय के मार्ग को चुने और अपने जीवन को बेहतर करें। जय 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 के सभी दर्शकों को भगवान महावीर जयंती की इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान महावीर के दिव्य संदेश को हम पूरी कोशिश करते हैं झांकियों के माध्यम से और भी जगह जगह अनेक माध्यम से, ताकि हमें उनका संदेश जो है जन जन तक पहुंचाया जा सके। प्राणी मात्र को जीव और जीने का संदेश जो उनका था उसको पहुँचाया जा सके। विश्वास कर देते और सच्चाई ईमानदारी चलने की राह दिखाते, वो जैनियों के लिए तो परोपकार थे ही, बल्कि पूरे समाज, पूरी दुनिया के लिए जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया वो तारीफ होता है। और आज भी महावीर स्वामी के लक्ष्य को अगर पाना है तो मैं सच्चाई ईमानदारी में चलता हूँ। ये हमारा मेन मोटो होना चाहिए, इसे जीने का राह निकले और आगे बढ़ सकते। साथ ही साथ जैसे आज वृक्ष लगाना चल रहा है, हमारे मोदी जी कह रहे हैं, ये सब पास हमारे स्वामी के लिए नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है जो कर रहे हैं। वो शुरू से करते हुए पर्यावरण का ध्यान सबको रखना, ये तो हर आदमी कहता है, पर महावीर स्वामी जैसे इंसान को पाना ये हरेक की पूजा है। महावीर जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ। महावीर जयंती का यह संदेश है अहिंसा परमो धर्म, इसी संदेश के माध्यम से मैं ये संदेश देता हूँ कि इस वक्त अहिंसा का मार्ग सब अपनाएं और सबके सुख शांति के लिए एक मार्ग है और हम भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए कदमों पर चल सके, यह मेरा निवेदन है सबसे। और सबको बधाई है महावीर जयंती की, सबको शुभकामनाएं। मैं राजेश जैन, अध्यक्ष मां सेवा समिति। आने वाले कल महावीर जयंती है, महावीर जयंती में हमारे मार्ग इंटरनेशनल अजमेर और लेकर के सभी दर्शकों हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर के सिद्धांतों को देखते हुए, जीवो जीनो जो संदेश को देखते हुए, सबको सेवा सबको प्यार, ये हमारी संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। तो उसी उद्देश्य के लिए हम चल रहे हैं, तो उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने हैं हम लोग। इस सेवा कार्य के अंदर हम दवा देते हैं, आयुर्वेदिक दवा, जिसमें डायबिटीज, डस्ट एलर्जी, घुटनों के दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह के बीमारियों के निःशुल्क हमारी संस्था द्वारा दवाई दी जाती है। हम पौधारोपण का भी कार्यक्रम समय समय पर करते हैं। गरीब बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म भी हम लोग देते हैं, स्वेटर के वितरण भी करते हैं। समय पर हम लोग कल ऐसा ही 3 महीने गर्मी हम लोग जाऊ का भी संचालन करेंगे, इससे हमारी संस्था का सेवा कार्य है। दर्शकों को मेरा जय जनेद, मैं महावीर के जन्म महोत्सव की हमारी शुभकामनाएं हैं। भगवान महावीर के संदेश थे कि जियो और जीने दो, और परोपकारों के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ हमें संदेश दिया। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी भगवान महावीर के जन्म महोत्सव पर उनके कहे हुए संदेश पे हम चले तो हमारा जीवन सार्थक बनेगा और बाहर दूर दराज तक अच्छे संदेश पहुँचेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जय जिनेंद्र। On behalf of the Lord of the school, I extend my heartiest wishes to one and all on the occasion of Mahavir Jayanti. Let us all move ahead with the motto Jiyo or Jeene Do. Om Namo Machhayanam, Namo Loe Sa.
साथ साथ अजमेर वासी प्रदेश वासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ। भगवान महावीर स्वामी का एक संदेश था, ये संदेश था जीवो जिन्हें तो उसी कड़ी में महावीर जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन जैन समाज की और से करीब 50 से 60 झांकियाँ निकलती है। झांकियों का उद्देश्य ये रहता है कि आमजन नशा मुक्त कैसे हो और आमजन एक दूसरे की सेवा कैसे करें और त्याग और तपस्या कैसे करें, यही भगवान महावीर स्वामी का संदेश है कि जीवो और जिन्हें तो उसी कड़ी में साल में ये त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी मनाया जाता है। सभी समाज के सभी वर्ग इकट्ठे होते हैं और कल हर जगह सब इकट्ठे होते हैं, भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। हम लोग भी कल ये हमारा जो स्थान है जैन स्थान है वहाँ हम लोग इकट्ठा होंगे, भगवान और डिफरेंट तरह की गतिविधियाँ। आपको भी भगवान महावीर के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान महावीर स्वामी की इस जयंती के उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई। राजकुमार अग्रवाल दासन में जय जिन्हें महावीर जयंती के जन्मोत्सव पर पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और महावीर स्वामी द्वारा दिए गए संदेश जियो और जीने दो, ये जो नारा महावीर स्वामी ने दिया है ये सभी के लिए सार्थक हो, यही हमारी मंगल शुभकामनाएं।